आज की क्लास में हम लोग एचसीएफ महासाप यानी कि महत्तम समावर्तक को देखेंगे। दोस्तों इसमें आपको एक पॉइंट में जो बता रहा हूं उसको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। जब दो संख्या लगातार रहे, मतलब बोला गया है जैसे वन और टू लगातार हो गया, वन के बाद ही तो टू आता है, या फिर टू या थ्री ये लगातार हुआ, तो इसी के बारे में बोला गया है। जब दो संख्या लगातार रहे तो उसका मासा यानी कि एचसीएफ हमेशा एक आएगा। इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है चार पांच एट नाइन, तो इसका महत्तम समावर्तक एक होगा। एट और नाइन का महत्तम समावर्तक एक होगा क्योंकि ये लगातार है, चार के बाद पांच आता है तो ये लगातार हो गया। तो दोस्तों ऐसे में इसका मासा हमेशा एक आता है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेके ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे हम लोग कि किस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है। चलिए ये हमारा आज का पहला नंबर एग्जांपल है और इसे हम बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। ये एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया, लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, पिछले पार्ट में मैं जो एलसीएम बता रहा था तो इसे हम दो ट्रिक से बताए थे। तो दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए हम बोले थे कि अगर आप एचसीएफ पहले भूल जाइए, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि जो भी संख्या दिया हुआ है चार बारह चौबीस में सबसे बड़ी संख्या को ढूंढना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा 24 है, इसके बाद फिर जो भी संख्या बचा 24 के अलावा उसे हम नीचे लिख के बारी बारी से भाग देकर देखते थे कि लग रहा है कि नहीं। तो दोस्तों 4 से 24 लग रहा है, 12 से भी 24 लग रहा है, तो ये आपका एलसीएम 24 आंसर हो जाता था। लेकिन हम आज हम लोग एचसीएफ करेंगे। ये तो दोस्तों एलसीएम का बात हो गया, लेकिन एचसीएफ के लिए हम क्या बोल रहे हैं ये हमारा आज का ट्रिक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम बोले थे, चलिए एलसीएम की तो बात हो गया, एलसीएम को हम भूल जाते हैं। एचसीएफ में आपको ठीक उसका उल्टा चलना है, ठीक है। एचसीएफ में एलसीएम का बिल्कुल अपोजिट चलना है, यानी कि चार बारह चौबीस में एलसीएम में बोले थे सबसे बड़ा ढूंढना है, लेकिन एचसीएफ में हम बोल रहे हैं कि सबसे छोटा ढूंढना है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट। यानी कि हमारा 4 12 24 में सबसे छोटा हो गया 4, इसके बाद आप क्या कीजिए दोस्तों, हम उसमें बोलते थे कि ऊपर रखिए, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि सबसे छोटा है, इसका अगर ठीक एलसीएम का अपोजिट चलेंगे यानी कि हम 4 नीचे ले लेंगे, अब बाकी जो भी बचा उसे हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों अब हमको क्या करना है, या आप इसे दीजिए गुणा चाहे नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर दीजिए, ये 24 है हमारा। अब हमको 4 से 12 में लगा के देखना है, ठीक है। तो 4 तिया 12 ये लग गया, इसका काम हो गया। अब दोस्तों बचा 24, तो अब इसे हम देखेंगे 6 चौक 24, 4 से बिल्कुल पूरी तरह से कट रहा, यानी कि ये भी हो गया। तो दोस्तों ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आपका आंसर एचसीएफ 4 ही होगा। ये तो कट गया पूरी तरह से, तो आप आसानी से निकाल लिए। अगर नहीं कटता तो उसका कुछ और मेथड है, मेथड सिर्फ यही रहेगा, थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए मैं इसे फिर से बताना चाहता हूं, हम बोल रहे हैं दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, 4 12 24 का एचसीएफ निकालना है, यानी कि मासा निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों मासा निकालने के लिए आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से सुनिए, 4 12 24 में सबसे छोटा कौन सा है। तो दोस्तों 4 और 12 24 में तो हमें 4 सबसे छोटा दिख रहा है, तो बस एक लाइन खींचिए आराम से, इसके बाद फिर आप नीचे 4 लिख दीजिए और बाकी जो भी संख्या बचा आप उसे ऊपर लिख दीजिए। ये हुआ हमारा फर्स्ट नंबर स्टेप। और सेकेंड नंबर स्टेप में क्या करना है,
अब बारी बारी से काट के देखेंगे पूरी तरह से कट रहा है कि नहीं। अगर आपको नहीं काटने आता है दोस्तों तो आप 12 में 4 से भागा दे दीजिए तो ये हो जाएगा पूरी तरह से। देखिए कट गया, खत्म हो गया इसका कहानी। 4 तिया 12 यानी कि ये पूरी तरह से कट रहा है। तो इसे चलिए इसका काम हो गया। अब हम लोग 24 को चेक करेंगे। तो 24 को आप भी चेक ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, भाग देकर 6 चौक 4 है, 6 चौक 24, ये भी पूरी तरह से कट रहा है यानी कि इसका भी काम खत्म हो गया। अब कोई भी संख्या नहीं बचा हुआ है, अब पूरी तरह कटना अनिवार्य है। अगर एक भी संख्या नहीं कटेगा तो आपका ये SCF नहीं होगा। अगर पूरा कट जाएगा तभी आप मान के चलिएगा कि ये मेरा SCF होगा यानी कि इसका SCF 4 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन होगा SCF का दोस्तों। फिर से हम लोग शुरू से समझेंगे। हम बोले थे कि जब भी कोई संख्या का आपको SCF निकालना है तो दोस्तों दिया हुआ 8, 16, 32, तो इसमें आपको सबसे छोटा पहले ढूंढना है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो दोस्तों हमें साफ साफ दिख रहा 8, 16, 32 में 8 हमारा सबसे छोटा अंक है, तो इसे हम सबसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसका बाद जो भी अंक बचा है उसे हम ऊपर लिखेंगे यानी कि 16 और 32 को हम लोग ऊपर लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों ये हमारा फर्स्ट नंबर स्टेप हुआ। और सेकेंड, फर्स्ट नंबर कंप्लीट होने के बाद सेकेंड नंबर में हम बोले थे कि 8 से बारी बारी से आपको चेक करना है कि कौन सा कट रहा है। तो दोस्तों 8 से 16 कट रहा है, अगर नहीं आता है तो 16 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 दूनी 16, ये कट गया। तो दोस्तों ये पूरी तरह से कट गया और 8 चौक 32 यानी कि 8 से 32 भी पूरी तरह से कट रहा है। हम बोले थे कि कटना अनिवार्य है, जितना भी संख्या दिया हुआ है टोटल संख्या बारी बारी से भाग देंगे तो कटना अनिवार्य है। अगर एक भी संख्या आपका नहीं कटेगा तो ये आपका SCF नहीं होगा। वह अगला हम एग्जाम्पल जब लेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों 8 से 16 कट रहा है, 8 से 32 भी कट रहा है यानी कि हमारा SCF हो जाएगा 8। अब हम वो एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों जिसमें ये पूरी तरह से नहीं कटेगा। ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड है दोस्तों। इसमें अब हम लोग ऐसी संख्या लिए हैं जिसपे पूरी तरह से नहीं कटेगा यानी कि मेथड वही लगेगा। सबसे पहले आपको 8, 20, 24, 44 में सबसे छोटा अंक देखना है। तो दोस्तों 8 साफ साफ दिख रहा है कि सबसे छोटा है, तो बस इसे कुछ नहीं कीजिए, आप नीचे 8 लिख लीजिए और बाकी जो भी संख्या बचा उसे आप ऊपर लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम बोले थे सेकेंड नंबर स्टेप में, फर्स्ट नंबर होने के बाद सेकेंड नंबर स्टेप में बोले थे कि बारी बारी से भाग देकर देखना है। तो दोस्तों 8 से जब हम 20 में भागा देंगे तो पूरी तरह से नहीं कटेगा यानी कि ये तो पहली बार में ही चेक हो गया, तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों इसके बाद ये सेकेंड नंबर के बाद थर्ड नंबर स्टेप में अब क्या करना है जब नहीं लगेगा, तो दोस्तों अब ऐसी संख्या को देखेंगे जो 8 को पूरी तरह से काट दे। अब हम लोग इसे देखेंगे कि 8 किस किस से कट रहा है। तो दोस्तों जब 1 से हम देखते हैं तो 8 पूरी तरह से कटता है। इसके बाद 2 से जब हम भाग देते हैं 8 में तो 8 को पूरी तरह से काट देता है। इसके बाद दोस्तों 4 भी 8 को पूरी तरह से काट देता है। इसके बाद फिर 8 अपने आप को एक बार में भी पूरी तरह से काट देगा। हम बोल रहे हैं दोस्तों, चलिए फिर से, जब अगर इससे पूरी तरह से भाग नहीं लगेगा तो दोस्तों थर्ड नंबर स्टेप में आ जाएंगे। और थर्ड नंबर स्टेप में आपको कहता है कि 8 को आप लिखिए और एक जिसे हम बोलते हैं फैक्टर, आप ऐसे संख्या को ढूंढिए जो 8 को पूरी तरह से काट देता है। तो दोस्तों 1 जो है 8 को पूरी तरह से काट देगा। 2 से जब भागा देंगे 8 में, 8 में जब आप 2 से भागा दीजिएगा तो ये 4 मरते भी पूरी तरह से काट देगा यानी कि 2 भी हो जाएगा।
और चार से जब दोस्तों भाग देंगे आठ में तो ये भी पूरी तरह से काट देगा, यानी कि चार भी संख्या हो जाएगा और आठ तो अपने आप से एक बार में लग ही रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग को क्या करना है, इसी फैक्टर को यहां पे लिख लेते हैं हम लोग समझाने के लिए। वन टू फोर और एट, अब देखिए क्या करना है, ये हमारा थर्ड नंबर स्टेप हो गया। अब दोस्तों लास्ट में हमको फोर नंबर स्टेप करना है जिसमें आपका आंसर आने वाला है। तो दोस्तों ये तो आठ का हम लोग फैक्टर लिख लिए यहां पे, तो अब आपको देखना है कि किससे कट रहा है पूरी तरह से। तो दोस्तों एक बता रहा आपको इंपोर्टेंट, इसमें ध्यान रखना है कि जब भी चेक करना है तो बड़ी संख्या से पहले चेक करेंगे, छोटी संख्या से नहीं चेक करेंगे, यानी कि जब भी आपको आना है तो इस तरफ से आना है, आठ से चार दो एक की तरफ आना है, ना कि एक से दो चार आठ की तरफ जाना है। अगर इस तरफ से जाइएगा तो आपका एचसीएफ आंसर गलत आएगा, यानी कि आठ से तो हम चेक किए थे दोस्तों, आठ से बीस नहीं कट रहा है, तो इसे चलिए इसे खत्म कीजिए। अब आठ के बाद बड़ी संख्या चार दिख रहा है, इसके बाद दो का नंबर आता है, लेकिन आठ के बाद बड़ी संख्या चार है, तो चार से हम देखेंगे तो दोस्तों चार जो है बीस कट रहा है पांच मध्य, ठीक है, पांच और बीस, और चौबीस भी आपका कट रहा है, और चौवालीस भी आपका ग्यारह मध्य कट जाएगा। तो दोस्तों जब यहां पे मेरा आंसर मिल ही रहा है तो आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, अगर इससे नहीं कटता तब दो से चेक किया जाता, लेकिन चार से पूरी तरह से ये संख्या कट रहा है इसलिए इसका एचसीएफ चार होगा। ऐसे दो से भी कट रहा है दोस्तों, लेकिन हम बोले थे कि पहले बड़ी संख्या से चेक करने के बाद ही भी हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं लगेगा तो चार से मेरा पूरी तरह से लग रहा है तो इसके तरफ आने से कोई फायदा नहीं है, इसका आंसर चार ही होगा। एक और एग्जांपल में हम आपको समझाते हैं, ये एग्जांपल नंबर फोर होगा और दोस्तों ये आज का लास्ट होगा, इसमें मैं अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूंगा। दोस्तों हम लोग मासा निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकालना है और ट्रिक के माध्यम से निकालना है, तो मैंने बोला था कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें आपको सबसे छोटी संख्या को पहले ढूंढना है। तो 30, 33, 42, 135 में दोस्तों सबसे छोटी संख्या 130 है, बस आपको कुछ नहीं करना है, 30 को आप नीचे लिख लीजिए और बाकी जो भी बचा आपको ठीक उसी तरह सेम टू सेम उतार देना है। ये हम लोग का स्टेप नंबर वन हुआ, ठीक है, फिर सेकेंड नंबर स्टेप में चलना है। तो दोस्तों सेकेंड नंबर स्टेप में बोले थे कि फिर बारी बारी से आपको चेक करना है, भाग देकर काटना है कि कटता है कि नहीं। तो दोस्तों 30 से 33 नहीं कटेगा, यानी कि ये सेकेंड नंबर स्टेप तो हमारा हो गया, यानी कि सेकेंड नंबर स्टेप भी हो गया, 30 से नहीं कट रहा है। तो अब दोस्तों हम लोग थर्ड नंबर स्टेप में आ जाएंगे। थर्ड नंबर स्टेप में हम बोले थे कि जब नहीं कटे तो 30 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, यानी कहने का मतलब है फिर अब हम लोग ऐसी संख्या को ढूंढेंगे कि 30 को कौन संख्या काट रहा है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एक से जब 30 में भागा देंगे तो पूरी तरह से कटेगा, और 3 से भी भागा दीजिएगा तो दोस्तों 30 पूरी तरह से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से आपका कट जाता है। मैं इसके बाद कुछ रूल भी आपको बताऊंगा दोस्तों कि जो आप संख्या देखकर डायरेक्ट बता सकते हैं कि 3 से कटने वाला है या 5 से कटने वाला है या 4 से कटने वाला है, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों 5 से ये भी 30 कट जाता है, 6 से भी आपका कट जाएगा, और इसके बाद फिर 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से आपके कट जाएगा, इसके बाद फिर आपका दोस्तों फिर 15 से कटेगा, और इसके बाद फिर खुद से कटेगा 30 से एक बार में। तो दोस्तों ये हम लोग का 30 का फैक्टर आ गया है। तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे 30 का जो हम लोग फैक्टर लिखे थे, 1, 3, 5, 6, 10 और ये हुआ
30। चलिए अब दोस्तों हम बोले थे ये थर्ड नंबर स्टेप के बाद आपको करने के लिए बोले थे, फोर्थ नंबर स्टेप में आ जाना है और यहीं से हम लोग का आंसर भी निकल जाएगा। तो 30 से अभी चेक किए थे दोस्तों, नहीं कट रहा है तो 30 को हम खत्म कर देते हैं। अब 15 से 33 कभी नहीं कटेगा, देखिए भाग देकर देखते हैं तो 15 दुनी होता है 30। अब दोस्तों ये बच गया 3, यानी कि पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट से हमको मतलब नहीं, कटना है तो पूरी तरह से कटना चाहिए, तो पॉइंट को हम नहीं लेंगे। तो 15 से भी नहीं हुआ, 10 से 33 भी नहीं कटेगा, 33 11 से पूरी तरह से कटता है, 10 से नहीं कटेगा। तो चलिए दोस्तों इसका भी काम खत्म हो गया। हम लोग बड़ी से छोटी की ओर आते जा रहे हैं और चेक करते जा रहे हैं। इसके बाद फिर 6 से 33 नहीं कटता है, चलिए इसका भी काम खत्म। 5 से भी 33 नहीं कटेगा, भाग देकर देख लेते हैं, 6 5 30 दोस्तों ये 3 फिर पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए हमको पॉइंट वाला नहीं लेना है। चलिए ये भी खत्म हो गया। अब दोस्तों 3 से चेक करेंगे तो 3 से आपका 33 11 बार में कट जाएगा। इसके बाद फिर 42 भी पूरी तरह से कट जाता है, देख लेते हैं, 14 बार में पूरी तरह से कट रहा है। इसके बाद फिर 135 भी चेक कर लेते हैं, तो 135 को जब हम 3 से भागा देंगे तो 4 3 12 और ये हो जाएगा 5 3 15, यानी कि 45 बार में ये भी पूरी तरह से कट रहा, यानी कि अब एक तर हमको जाने की जरूरत नहीं है। 3 से मेरा 33 कट गया, 42 कट गया और 135 जब पूरी तरह से कट गया तो इसका एचसीएफ ही हो जाएगा 3।